Hello students, I welcome you on your very own YouTube channel Manoj Jangir Classes. इस क्लास से पहले, इस वीडियो से पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ मेथड्स पढ़ा चुका हूँ, मीनिंग ऑफ सैंपल मेथड, सेंसस मेथड, मेरिट्स, डीमेरिट्स, ये सारी चीजें, सूटेबिलिटी, ये सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं. तो आप टाइम टू टाइम आप चेक करते रहिए. यहाँ पर एक कार्ड सेक्शन आता है इस तरीके से, इसको हम कार्ड सेक्शन बोलते हैं यूट्यूब का. यहाँ पर कुछ प्ले लिस्ट आएंगे, आप उनको चेक कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोज होते हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं. अगर आपने प्रीवियस वीडियोज नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट आपके पास आ जाएगी एंड यू कैन वॉच दोज वीडियोज विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम. स्टूडेंट्स, इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एरर्स. की गलतियां हो जाती हैं कई बार हमसे सैंपल सिलेक्ट करते हुए. ये एरर्स कितने टाइप की होती हैं, तो यहां पर अगर मैं डिवाइड करना चाहूं इनको, दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं, दैट इज सैंपलिंग एरर एंड नॉन सैंपलिंग एरर. सैंपलिंग एरर जो सैंपल में, सैंपल के नेचर की वजह से आई है, सैंपलिंग एरर्स विच हैव कम बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ द सैंपल, नेचर ऑफ द सैंपल रिलेटेड टू सैंपल. ऑन द कॉन्ट्रेरी, नॉन सैंपलिंग एरर्स आर दोज एरर्स which are not related to size or nature of the sample. Then what kind of errors are these? These are the errors of measurement. These are the errors of non-response. These are the errors of misrepresentation, misinterpretation, not representation, misinterpretation. These are the error in data acquisition. These are the sampling bias. Aap jab sample se related nahi hoti, calculation ho gayi hai kuch, नॉन रिस्पॉन्स आया है किसी का, मिस इंटरप्रीट कर लिया है, डेटा एक्विजिशन में कोई दिक्कत हो गई है, वो सारी चीजें यहां पर हम लेते हैं नॉन सैंपलिंग एरर में. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ यू टॉक अबाउट स्टैटिस्टिकल एरर्स, देन द डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटेड वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ फैक्ट्स इज नोन एज स्टैटिस्टिकल एरर्स. मान लीजिए आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू 20 आई, एक्चुअल वैल्यू 25 थी, एवरेज वगैरह निकाला या आपने कुछ भी कंक्लूजन निकाला, अब यहां पर जो आपकी स्टैटिस्टिकल एरर है वो 5 का डिफरेंस यहां पर शो करेगा, तो इसको स्टैटिस्टिकल एरर बोला जाता है. इस तरीके से स्टैटिस्टिकल एरर जो होती हैं वो दो तरीके की हो सकती हैं, सैंपलिंग एरर, नॉन सैंपलिंग एरर. आई हैव ऑलरेडी गिवन यू एन इंट्रो ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स. लेट्स टॉक अबाउट सैंपलिंग एरर्स. सो इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन सैंपल रिजल्ट एंड द सेंसस रिजल्ट. मतलब अगर आप कोई डेटा सेंसस या सैंपल से इकट्ठा करते हैं और जो इसमें डिफरेंस आता है, दैट्स व्हाट वी कॉल सैंपल एरर. सो द रिजल्ट ड्रॉन फ्रॉम सैंपल्स में नॉट बी 100% करेक्ट, और ये आपको पता भी है, मैंने काफी बार बोला है, मैं हर बार आपको बताता हूं दैट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सैंपल रिजल्ट, देन सैंपल रिजल्ट आर नॉट दैट मच एक्यूरेट द वे सेंसस रिजल्ट आर. एक्यूरेसी, ओरिजिनलिटी हमेशा सेंसस मेथड की अच्छी रहती है, सैंपल मेथड की इतनी अच्छी नहीं रहती, बट व्हेनेवर वी कैन समवेयर कॉम्प्रोमाइज विद द, टू सम एक्सटेंट वी कैन कॉम्प्रोमाइज विद द ओरिजिनलिटी एंड एक्यूरेसी, इन दैट केस सैंपल मेथड्स आर गुड इनफ. पैसा कम लगता है, टाइम लेबर कम लगता है, सेंसस मेथड में बहुत ज्यादा लगता है. तो सैंपल कई बार हमारा 100% करेक्ट नहीं होता, इवन इफ अटमोस्ट केयर हैज बीन टेकन. हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं बट फिर भी कुछ गलती हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, if the income of 5 workers in a factory are 900, 1000, 1200, 1400 and 1500, then the average income, agar aap calculate karenge, main already aapko calculate karke hi bata raha hu, 1200 aayegi. Now if we select a sample of two individuals, do individuals ka sample le lete hain, maan lijiye census method hai, ek ek person ke paas gaye, humne study kiya, average nikala, result aaya, interpretation thi 1200 rupaye. We selected two samples, एक की इनकम 1000, एक की इनकम 1200 रुपए. अब सैंपल तो कोई भी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, लेट्स टॉक अबाउट रैंडम सैंपलिंग. तो हमने 1000 सिलेक्ट कर लिया और हमने 1200 सिलेक्ट कर लिया. नाउ द सैंपल एवरेज विल बी डिफरेंट. यहां पर सैंपल एवरेज अगर आप लेंगे, दैट विल बी कमिंग आउट टू बी 1100 रुपीज. पहले आ रहा था 1200 रुपए, 1200 रुपए आ रहा था हमारा सेंसस मेथड से. So census method is showing something else, sample method is showing something else, and this problem has occurred because of the small size of sample. Aapko sample ka size thoda aur bada karna chahiye tha. Maan lijiye aap 1400 ko bhi le lete,
तो शायद आप और उसके करीब होते और उसके पास होते. सो दिस इज अबाउट ऑल सच थिंग्स. सो दस द सैंपल एरर विल बी ऑफ रुपीज 100, क्योंकि इन दोनों का जो गैप है 1200 माइनस 1100, तो सैंपल एरर आपकी जो आ गई वो आ गई 100 रुपए की. इसको हम कहते हैं सैंपलिंग एरर. ये एरर दूर की जा सकती थी अगर आप एक सैंपल लेते 1000, एक सैंपल लेते वही 1200 रुपए, और एक सैंपल अगर आप यहाँ पर ले लेते 1500 रुपए, तो आपका जो एरर था वो दूर किया जा सकता था. इस केस आपका अगेन सैंपलिंग के अकॉर्डिंग भी 1200 ही आता. तो गलतियां हो जाती हैं कई बार. सैंपलिंग एरर्स जो है आपके दो तरीके की हो सकती है. एक होती है बायस एरर्स, इसमें भी डिवीजन आ गया. एक हो सकती है बायस एरर्स एंड दूसरी होती है अनबायस. अब बायस का नाम पता ही है आपको कि किसी इन्वेस्टिगेटर की बायसनेस की वजह से आई हो. बायसनेस मतलब टू फेवर समवन, टू फेवर सम आइटम्स, टू फेवर सम स्पेसिफिक आइटम्स इन द कलेक्शन ऑफ डेटा. सो biased errors are the errors which arise as a result of any bias of the investigator. Such errors are also known as cumulative errors. ये non-compensating होती हैं, बढ़ती जाती हैं, accumulate होती जाती हैं. इसलिए इनको cumulative errors और non-compensating errors भी बोला जाता है. As bias remain constant as the number of sample increases. तो आपका bias, अगर आप कोई bias data आपने collect किया है तो वो तो same रहेगा, उसमें तो कोई changes नहीं होंगे और वो constant रहेगा. वो bias वहां रहेगा ही रहेगा, वो कमी वहां पर रह जाएगी. वो गलत interpretation आपको करके दिन कर, आप निकाले जो conclusion आप निकालेंगे वो 100% गलत होगा ही होगा अगर आपने biasness दिखाई है कहीं पे, आप अगर biased हैं तो. On the contrary, unbiased errors are accidental. गलती से हो गई, accidental in nature and are without any bias of the investigator. बिना किसी bias के कई बार कुछ गलतियां हो जाती हैं. They are also known as random sampling errors. Randomly हो गई. As it goes on decreasing, ये decrease होती जाती हैं जैसे more and more sample you will collect. On an average, as size of sample increases, जैसे जैसे size of sample increase होगा वैसे वैसे random sampling errors का जो chances है वो कम होता जाएगा. Therefore, these errors can be minimized by taking a large sample. ज्यादा से एक आदमी ने गलत इंफॉर्मेशन दे दी, गलती से आपने गलत रिकॉर्ड कर लिया. जितने ज्यादा लोगों से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे उतनी ज्यादा एक्यूरेसी आपकी वहां पर होगी. रैंडम सैम्पलिंग एरर जो है वो अनबायस एरर्स जो है उनका चांस जो है वो कम होता जाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट बायस एरर. बट ऐसा unbiased errors, biased errors में ऐसा नहीं होता. You need to understand this particular thing. कुछ चीजें हैं मैं highlight कर देता हूँ. तो यहाँ पर ये it goes on decreasing as the size of sample increases. जबकि यहाँ पर ये bias remain constant as the number of sample increases. Bias यहाँ पर आपका constant रहता है. जबकि यहाँ पर इन errors को errors can be minimized. Unbiased errors को minimize किया जा सकता है by increasing the, by taking the large number of samples. So this is the difference, basic difference between these two items. The next point is non-sampling errors. So it can take place in any type of survey, whether it be a census or sample survey. Non-sampling errors कहीं पर भी हो सकती हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं. You need to understand all such things. These errors are also called as measurement errors. Measurement में, calculation में कई बार गलती हो जाती है. These errors are committed intentionally or unintentionally in the investigation. ये intentionally भी हो सकती हैं, unintentionally भी हो सकती हैं. They also occur due to negligence. आपने neglect कर दिया. Lack of knowledge है आपको. Forgetfulness, आप भूल गए कोई item select करके. So on the part of informants, ये informant की तरफ से हो सकते हैं कि उनको पता नहीं है. आपने किसी से पूछा CA क्या है, आपने किसी से पूछा, एक वीडियो था जो काफी WhatsApp पे पॉपुलर हुआ, किसी ने पूछा भाई CAA क्या है, तो एक पर्सन है वो कहते हैं CA बहुत अच्छा कोर्स है, कॉमर्स के स्टूडेंट इसको करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, तो उनको पता ही नहीं है कि CA क्या होता है. तो ये नेग्लिजेंस है आपकी, लैक ऑफ नॉलेज है आपका, भूल गए कुछ सारी चीजें. तो इस तरीके की चीजें हो सकते हैं. इट इज डिफिकल्ट टू मिनिमाइज देम इवन बाय टेकिंग अ लार्ज सैंपल. अगर आपका नॉन सैंपलिंग एरर्स हैं तो उसको आप लार्ज सैंपल लेके भी कम नहीं कर सकते.
ये प्रॉब्लम नॉन रिस्पॉन्स, मिस इंटरप्रिटेशन, मेजरमेंट, इन सारी चीजों से रिलेट करती हैं. आई होप सो दैट यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल सच थिंग्स विदाउट एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी. बट फिर भी अगर आपका यहाँ पर कोई डाउट आता है, आपका कोई इश्यू आता है, आपको अगर कोई बात समझ में नहीं आती है, तो आप अपने क्वेश्चंस हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं. आप जैसे ही कमेंट लिखेंगे, एज सून एज पॉसिबल आई वुड लाइक टू यू नो रिप्लाई यू, रिवर्ट यू बैक, सो दैट आपका डाउट क्लियर हो सके. बाकी अगर और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो कार्ड सेक्शन में देख सकते हैं. चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर कहीं पर इस वीडियो ने आपकी हेल्प की हो. बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में. टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग मनोज जांगिर क्लासेस, ऑल ऑफ यू.